नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर ऑस्ट्रेलिया एंड और इंडिया और स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रेश नारायण जी का चंद्रेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत स्वस्थ है जी बिल्कुल और स्वस्थ तो है बिकॉज भाई पिछले दोनों ही आ, मेरे जो प्रोडिक्शन है वो सही से आ रहे हैं तो मैं स्वस्थ कैसे नहीं हो सकता लेकिन ये पूरा जो जो है जो विशाखापट्टनम से शुरू हुआ तिरुअनंतपुरम में आकर रुका और वहां पर काफी कमाल की बल्लेबाजी हुई भारत की तरफ से और चवालीस रनों से जीत दर्ज की विच इज अग बिग विन इन टी ट्वेंटी मैच बिल्कुल बहुत जबरदस्त जीत थी और ऐसे मुझे थोड़े वक्त के लिए डर लग रहा था कि मैं मैच देख रहा हूँ या बॉलिंग मशीन गेंदबाजी कर रही है भारत <laughs> क्योंकि ने पहले बल्लेबाजी की 235 चार विकेटों के नुकसान पर जयसवाल किशन और रिंकू सिंह ने मिलकर जबरदस्त पिटाई की गेंदबाजों की सिर्फ एक नेतनिस्ट थे जिन्होंने बच बच के गेंदबाजी की और जी. विकेट कमाए और मार्कस टॉयनिस ने एक विकेट निकाला उन्होंने अपने तीन ओवर में और जवाब में ऑस्ट्रेलिया एक वक्त जब टीम डेविड और मार्कस टॉयन साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था मैच खींच लेंगे पर रवि बिश्नोई अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर अच्छी वापसी की और भारत ये मैच जीत गया चौवालिस रनों से बिल्कुल और ये इनफैक्ट हमने विशाखापट्टनम में भी देखा था जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अच्छी चल रही थी और लग रहा था कि वो मैच निकाल कर लेकर जाएंगे लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छी तरीके से उनको पकड़ कर रखा लेकिन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने जो ओपनिंग करा के दी क्या उस वजह से अब एक ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के लिए टी में फिर एक बार वो फार्मूला आ गया है कि ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी अच्छी होने ही वाली है देखिए मैं जायसवाल के बल्लेबाजी से तो बिल्कुल अश्वस्त हूँ पर मुझे अभी भी लगता है कि शायद ऋतुराज का ये फॉर्मेट नहीं है वो वो थोड़ा वक्त ज्यादा लेते हैं देखिए अट्ठावन बनाया उन्होंने 43 गेंद में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस पिच पे मतलब इतना मैदान जब छोटा हो जब दो भी ऐसा लगने लगे एक वक्त पर कि वो पार स्कोर नहीं है जी ऐसे पिच पे आपको थोड़ा और आक्रामक होना चाहिए मुझे नहीं लगता ये ऋतुराज का फॉर्मेट है मेरे ख्याल से रुतुराज का फॉर्मेट ज्यादातर एक दिवसीय क्रिकेट है वेरी इंटरेस्टिंग ये बहुत अच्छी बात कही आपने और अगर गेंदबाजी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाजी है वो एक्सपोज हो गई है भले जैम्पा ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन वो विकेट नहीं निकाल पाए तो जैम्पा और तनवीर सांगा की अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी बाकी के गेंदबाज जो है इन्होंने काफी रन खर्चे देखिए ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया ये श्रृंखला को एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अगले साल okay. के टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए तो जितने उनके पास विकल्प होंगे उन सबका वो इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि आखिर कौन कितने पानी में लेकिन ये ये काफी इंटरेस्टिंग सा होता है क्योंकि आपको लग तो रहा होता है कि सामने वाली टीम थोड़ा सा डगमगा रही है लेकिन वो आखिर तक अपने पत्ते खोलते नहीं है और आईसीसी ओडिया के वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही हुआ ऑस्ट्रेलिया ने आकर फिर सबको चकित कर दिया तो ये टी ट्वेंटी के लिए भी काफी अच्छी तैयारी हो रही है आने वाले साल के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो लेकिन जी नहीं और ऐसा है कि जो भी आप करें आपको पता रहना चाहिए कि आ, ये आ... आपके पास ना एक या दो ओवर में गेम पलट सकता है पूरी तरह से टी ट्वेंटी क्रिकेट में बिल्कुल बिल्कुल ये मुकाबला होने वाला है गुवाहाटी के बार्साबरा मैदान पर आइए इन इस मैदान के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं तीन टी ट्वेंटी मुकाबले हुए हैं यहां पर जिसमें से एक अबैंडन हुआ था नो रिजल्ट लेकिन एवरेज फर्स्ट लीग स्कोर लगभग एक है लेकिन अगर आपको पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतना है चंद्रेश तो बहुत सारे रन बनाने पड़ेंगे दो प्लस कम अज कम और कुल मिलाकर तीन मैचेज में सोलह विकेट गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा मतलब विकेट गिरने का यहाँ पर कुछ मामला बन नहीं रहा है रन भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बन रहे और पेसर्स को ज्यादातर विकेट मिलते हैं हैं। मुझे तो गेंदबाजों को लिए, लिए तैयार <laughs> मतलब हो जाइए तो गेंद गेंद तह, उस गेंद को पकड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए जनरली यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है बट ओवरऑल अगर देखें तो फिर एक बार गेंदबाजों की कुटाई और बल्लेबाजों की मतलब मिठाई बढ़ने वाली है रनों की बिल्कुल और देखिए कि यही चीज है कि आपको इसलिए ये, <laughs> जी 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 जी। तो ये बात तो बिल्कुल जी इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा मैं अगर हूँ तो गेंदबाज तो मुझे थोड़ा डर लगेगा इस फॉर्मेट से मैदान हाँ वो तो बात है गुवाहाटी में कैसा आ, मौसम रहने वाला है इस पर भी एक नजर डालते हैं आ, क्योंकि जनरली यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है और अगर आ, हम आ, कल के इस जो मौसम के बारे में बात करें तो 21 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा यानी कि इट बी वेरी प्लेजेंट बट प्रॉब्लम इज किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा यानी कि बहुत ज्यादा हवा तो नहीं चलेगी बट प्लेजेंट टेम्परेचर होने के बावजूद भी चंद्रेश पर ह्यूमिडिटी ये कॉम्बिनेशन कुछ अटपटा लगता है भले ही मोस्टली क्लियर रहेंगे स्काई लेकिन इकतीस डिग्री सेल्सियस और नब्बे प्रतिशत ह्यूमिडिटी रहेगी तो मुंबई या कलकत्ता जैसी बात होती है लेकिन ये तो कुछ कमाल का ही मतलब अलग वेदर होने वाला है मतलब ठंड में पसीना कह दिया आपने क्या करेगी हसीना अगर ऐसा हो जाएगा तो लेकिन कमाल है एंड दिस टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दोनों ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए देखना पड़ेगा कि ये दोनों ही जो टीमें हैं किस तरीके से इस मौसम को झेलती है शाम के समय मौसम वैसे सुहाना हो जाता है गुवाहाटी में बट वो जो चिपचिपापन है ह्यूमिडिटी का वो हमेशा बना रहता है। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो हालांकि है। लग है है मुझे लगता है कि भारत भी ज्यादा मतलब आप देखिए भारत के पास भी उनके दो तीन की खिलाड़ी नहीं है हार्दिक पांड्या जो कप्तान है वो नहीं है जसप्रीत बुमराह नहीं है तो दो खिलाड़ी तो आपके वहां पर स्ट्रेट नहीं है नहीं है हाँ। और अगर आप सोचे तो शुभमन गिल भी अगर उस फेरिस्त में आ जाए तो तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं है आपके पास उसके अलावा भारत मतलब भारत भी ज्यादातर अपने विकल्पों को खोज रहा है ऑस्ट्रेलिया भी अपने विकल्पों को खोज रहा है तो दोनों तरफ से एक खोज में लगे हैं दोनों टीमें है। क्योंकि विश्व कप के ठीक बाद हो रहा है ये तो कैडिया विश्व के ठीक बात हो रहा है तो थोड़े विकल्प को खोजने में लगे हुए हैं और, के बीच में कोल 28 के लिए है। और पिछले दोनों ही मुकाबलों को जीतने के बाद भारत ने एक जबरदस्त लीड ले ली है सत्रह मुकाबले वर्सेज टेन तो अगर देखे तो डॉमिनेशन तो रहा ही है टी ट्वेंटी भारत का देखिये एक ऐसा फेज भी था एक ऐसा दौर था की ऑस्ट्रेलिया जो है टी ट्वेंटी क्रिकेट को उतना ज्यादा महत्व नहीं देता था हाँ हाँ हा। आ, उसी तरजी पर जिस तरह से इंग्लैंड एक एक दौर में एक दूसरे क्रिकेट को तरजीह नहीं देता था तो उसी का नतीजा कि ये जो आंकड़े हैं भारत के पक्ष में ज्यादा है और अभी इस श्रृंखला में भी देखें कि बाद में बात करेंगे हम जरूर कि कैसे वो जो स्क्वाड जब हम देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि, कि किस तरह से वो

हुई थी उसमें हैदराबाद और नागपुर में भी एक बड़ी जीत मिली थी हालांकि हा अपने घर वालों से ज्यादा एक दूसरे को मिल रहे इसी साल देखो दिक, वो ये तीसरा मतलब चौथी बार श्रृंखला खेल रहे हैं मार्च में एक टेस्ट श्रृंखला और एक दूसरी श्रृंखला दो अलग सेट ऑफ प्लेयर्स एक दूसरे के सामने आए फिर उसके बाद आईपीएल के दौरान सब खिलाड़ी जो खेल रहे थे आईपीएल वो भी वो एक साथ खेल रहे थे या आमने सामने थे उसके बाद जो है टी वर्ल्ड कप ओडिया विश्व कप से ठीक पहले और एक ओडिया श्रृंखला हुआ और ओडिया विश्व कप में भी दोनों टीमें आमने सामने थी पहले ही मुकाबले में फिर ओडिया विश्व कप के फाइनल में भी आमने सामने थी दोनों खिलाड़ी जी आ, जी और आ, आ, ये जो जो पूरी जो कवायद कवायत है दोनों टीमों को आमने सामने जो आ रहे हैं और अगले साल हाँ। दोनों टीमें आमने सामने होंगे एक पांच टेस्ट की श्रृंखला में तो मतलब हर नियर से देखा जाए तो ये दोनों टीमें अपने घर वालों से ज्यादा आमने सामने होंगे आमने सामने होंगे कमाल है और देखते हैं और इन सभी चीजों का जो लेखा जोखा है हम डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपके लिए हमेशा लेकर आएंगे लेकिन ये थे पिछले पांच मुकाबलों की बातें और ओवरऑल अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी कोशिश कर रहा है और कभी कभी उनकी गेंदबाजी पर थोड़ी सी दिक्कत नजर आती है आर यू देव नो बोलर्स अब क्या ये बदलते वक्त का भी तकाजा है चंद्रेश की इवन ऑस्ट्रेलिया को एक ऑलराउंडर्स का बेंच जो है ये और भी अच्छी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा देखिए वो वो एक बात है उनको आ, ये जो सफेद गेंद की क्रिकेट है उसमें उनके बैकअप के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं कि क्या ओके. वो ऑस्ट्रेलिया के विकल्प है पर उनको लग रहा है क्योंकि काफी वक्त से उन्होंने उनको अपने विश्व कप के स्क्वार में भी रखा हुआ नेतन एलिस जो है वो अच्छे लय पकड़ के आ, टी क्रिकेट में गेंदबाजी करते हैं तो अब मेरे ख्याल से वो अपने गेंदबाजी विकल्प पे काम कर रहे हैं वो जेसन मेरेडॉफ पहले मुकाबले में थे वो आएंगे शायद वापस एक बार अगर वो चाहे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आ, उनके पास और भी विकल्प है केन रिचर्डसन बेंच में बैठे हुए हैं अगर चाहे तो आप वो जॉय रिचर्डसन और रायली मेरेडित की तरफ भी जा सकते हैं तो विकल्प है उनके पास

जबरदस्त फील्डिंग की अच्छा लगा मुझे उनकी फील्डिंग को देखकर अब तक उनको गेंदबाजी नहीं दी गई है पर उन्होंने कहा है कि मैं गेंदबाजी करने को भी तैयार हूं क्या बात है बिल्कुल और ये जरूरत पड़ सकती है भारत के लिए और वाशिंगटन सुंदर को को भी थोड़ा थोड़ा सा सा अपने आप उभारना पड़ेगा जैसे जैसे उनको तो वक्त मिलेगा क्या शिवम दुबे को मौका मिल सकता है आने वाले मुकाबलों में क्योंकि वो भी एक जबरदस्त और खतरनाक ऑलराउंडर है इस फॉर्मेट के लिए है तो सही पर जगह दिक्कत यह है कि हाँ आप कप्तान को ड्रॉप कर सकते हैं और ऋतुराज जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर मेरा मानना है कि यशस्वी और ईशान किशन को ओपन करना चाहिए और शिवम दुबे को आना चाहिए या वॉशिंगटन सुंदर को क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे छोटे मैदानों पर आपको एक अतिरिक्त ऑलराउंडर स्ट्रोक मल्टी स्किल्ड प्लेयर की जरूरत ज्यादा है ना कि एक ऐसे खिलाड़ी की जो सिर्फ एक ही चीज करता है करे 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 ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने और शायद इस पर भी ध्यान होगा ऋतुराज का भी और भारतीय प्रबंधकों का भी किस तरीके से इनको टीम में रखा जाता है तो ये तो है भारतीय स्क्वाड के बारे में हमने जो चर्चा की और आने वाले मुकाबले में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी लेकिन अगर हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं बार बार आप यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज की जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो भारत के लिए या फिर ओवरऑल अगर देखिए टी में कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप बेहतरीन की है इन आंकड़ों पर थोड़ा सा नजर डालेंगे मोस्ट पार्टनरशिप ओपनर्स इन ट्वेंटी इस साल टीम

कारगर नजर आ रही है क्योंकि वो उम्मीद हाँ, हाँ, हाँ। में में करेंगे इतना साथ में खेलने के बाद भी बट ये बात है जयसवाल कॉमन फैक्टर है अच्छा आपने ईशान किशन का भी ऑप्शन दिया था बट शुभमन गिल के वापस आने के बाद फिर एक बार वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा हाँ ठीक है बट मुझे लग रहा है की शुभमन गिल का मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो आ, आपके उभरते हुए सितारे है जी। आ, आ, तो शुभमन गिल का नाम लिया था पर इस श्रृंखला की जहां तक बात है मुझे लग रहा है कि ईशान किशन और जायसवाल को ओपन करना चाहिए परफेक्ट परफेक्ट ये तो थी ओपनर्स की बात और आगे बढ़ेंगे हम क्योंकि तीसरा मुकाबला जो है ये गुवाहाटी में होने वाला है तो ये पांच जो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की श्रृंखला है ये हमेशा बहुत ही रोमांचक रहती है बिकॉज यू नो और यहां पर क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी कर पाएगी ये भी एक बहुत बड़ी बात है लेकिन जब हम दोनों टीमों की बात करते हैं तो इनफैक्ट uh, यहाँ पर सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी और गेंदबाजों पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो नैया है पहले दो ओडीआईस के बाद थोड़ी सी डूबती हुई नजर आ रही है पहले दो ओडीआईस मतलब वर्ल्ड कप में तो डूबती हुई नजर आ रही थी पहले तो दो टी20स तो... के बाद सही पकड़े आप देखिए वर्ल्ड कप का अभी भी खुमार छाया हुआ है नहीं आपने सही बोला पहले दो ओडीआईस में विश्व कप के बाद भी ऐसा लग रहा था उनकी नैया डूब गई थी मतलब तो आप समझ गए मेरा इशारा समझ गया मैं आ, आप वही कहना चाह रहे थे ना बस, बस मैं वही कहना चाह रहा था बस मैंने बस भी कर सबसे बड़ी उनकी डेंजरस बात है। आ, ये उनके लिए ए, ए, एक बात है उनके बारे में कि वो जो है आ, आ, वो वापसी कर सकते पर उनके सामने जो है भारत की ये तूफानी बल्लेबाजी आती आ जाएगी फिर जबरदस्त जबरदस्त देखिए सूर्य कुमार यादव हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल रन गेटर फॉर इंडिया इन 2023 अगर हम टू टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग तिरपन एवरेज स्ट्राइक रेट भी लगातार जबरदस्त यशस्वी जयसवाल 172 173 का स्ट्राइक रेट ब्रिलियंट बिल्कुल और ऋतुराज के बारे में मैं बार बार, बार बात कर रहा उनके स्ट्राइक नजर डाले उन्नीस सौ बत्तीस का स्ट्राइक रेट मतलब खराब नहीं है लेकिन ठीक ठाक है मतलब वो जो धमाका चाहिए ओपनिंग में वैसा नहीं हाँ बिल्कुल 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 और लोग कहेंगे पर आपने ईशान किशन की बात की ईशान किशन का स्ट्राइक रेट पर नजर डाले एक हाँ, सौ मुझे अभी भी लगता है कि ईशान किशन जो है वो बल्लेबाजी भी करते हैं विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं वो तो ऐसे खिलाड़ियों का होना जरूरी है जो एक से ज्यादा चीज करें करेसवाल जो है लेग स्पिन भी डाल सकते हैं तिलक वर्मा ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं तो आपके पास पहले ही एक कप्तान मौजूद है जो सिर्फ बल्लेबाजी कर रहे हैं

आ, वो किस तरह से उस गेंदबाजी का सामना करते हैं उससे पता चलेगा कि वो कितने मतलब कारगर है इस मंच के लिए इस स्तर के लिए जी बिल्कुल चंद्रेश जी ये इशारा कर रहे हैं कि इस सीरीज के बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ एक श्रृंखला खेलनी है वहां पर असली टेस्ट होगी रिंकू सिंह की ऐसा आपका कहना है बट यहाँ पर तिलक वर्मा हैं रिंकू सिंह वाशिंगटन सुंदर सब नए नए सितारे उभर कर आ रहे हैं जो भारत के लिए अच्छी बात है और टी ट्वेंटीज में वनडे के कम्पेरिजन में शायद भारत के पास ज्यादा बेंच हैं तो ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन चलिए भारत की तरफ से गेंदबाजी की भी बात करते हैं टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स में मोस्ट विकेट्स की अगर जब बात करते हैं तो अर्षदीप सिंह दो का ये नंबर है ये आंकड़े हैं राइट ऑन

आ, पर बाकी जो गेंदबाज है वो अभी थोड़ा मिक्स एंड मैच किया जा रहा है अभी विकल्पों को खोज रहे हैं अब प्रसिद्ध कृष्णा काफी वक्त के बाद आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर ने इस टीम में खेला नहीं है अक्षर पटेल ने थोड़ा खेला है तो आ, और ये पंकज पहले जो मुकाबले में जो पिच रहे हैं जो मैदान का साइज रहा है मुझे तो मतलब मैं गेंदबाजों पर ज्यादा मैं हावी नहीं होऊंगा नहीं नहीं कि थोड़ा हमें हाथ थोड़ा खोला रखना चाहिए उनके ऊपर नहीं नहीं गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मतलब मन में ऐसा जागता है बहुत ज्यादा आती है है कि ये क्या हो रहा है। और ये ये बिल्कुल ये बिल्कुल बदलते क्रिकेट का, का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है गेंदबाजों को लेकिन अब क्या करे अः जीवन है जीवन में ऐसा होता रहता है क्रिकेट के मैदान में ऐसा होता रहता है लेकिन क्या ऐसे कंडीशंस में भी यहाँ पर गेंदबाजी अगर कर पाए सक्सेसफुली ये देखना होगा पावर प्ले की जब हम बात करते हैं तब गेंदबाजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार होता है क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाज खासकर जब हम यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज की बात करते हैं तो वो तो लूट मचाते हैं गेंदबाजी की अगर बात करें पावर प्ले में जो 2023 में कौन सा गेंदबाज रहा है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में जो सक्सेसफुल रहा है तास्किन अहमद नंबर वन नौ विकेटों के साथ अर्शदीप सिंह इस फहरिश में दो भारतीय खिलाड़ी है और लेकिन पावर प्ले में आजकल वॉशिंगटन सुंदर का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि पहले तो मैच में खेले भी नहीं हो हाँ वो उनको खिलाना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूँ पंकज आप आप मेरे साथ हो कि नहीं अब इस बात आ, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल अरे आप आप मैं बिल्कुल आपके साथ ही हूँ मतलब आपकी बात बिल्कुल पत्थर पर लकीर मानता हूँ मैं तो देखिए ये आंकड़े बता रहे हैं मेरे बात को आ, प, आ, ये आ, एक साक्षाई कर रहे हैं और यहाँ पर ये वाला जो ये बात जो है विकेट जो निकाले उन्होंने हर्षदीप ने जबरदस्त गेंदबाजी की है कल हमने मतलब दूसरे मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अंत में आकर भी अच्छी यॉर्कर डाली बेहतर गेंदबाजी की है बनस्पत की आ, प, आ, पिछले साल के जब वो भारत के लिए टी क्रिकेट खेल रहे थे वो सीख रहे हैं Correct. और ये ऑन द जॉब लर्निंग है करेक्ट करेक्ट और पावर पे की जब हम बात करते हैं उसके बाद तो अच्छा है, तो है पावर प्ले में।, मतलब तो में कौन से गेंदबाज है जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन आंकड़ों पर भी हम नजर डालेंगे क्योंकि अर्शदीप की जो आपने बात की उनको प्रसिद्ध कृष्ण का भी एंड में काफी अच्छा साथ मिला लेकिन क्या वॉशिंगटन सुंदर जैसे गेंदबाज का इस्तेमाल पावर प्ले में किया जा सकता है लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में कौन रहेगा विकेट लेने वाले गेंदबाज ये देखना पड़ेगा तो स्पिनर्स है, है इनका नाम आता है अच्छा ये मिडिल ओवर्स में देखिए ट्रेंड है दो का कि जो स्पिनर्स हैं वही कारगर साबित हुए बिल्कुल और देखें कि ये चीज भारत को भी पता होगा पर दिक्कत यह है भारत के लिए कि कुलदीप यादव और रवि बिश्नु एक साथ एक ग्यारह में नहीं खेल सकते हाँ ये तो बात है तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपके जो बेस्ट आपने इस विश्व कप में भुगत लिया उसका नतीजा कि आप भले ही आप स्पेशलिस्ट में निवेश करें पर उस निवेश का रिटर्न आना मुश्किल होता है क्रंच डे पे क्योंकि जब दबाव पड़ता है तो फिर आप कुछ उसका उपयोग नहीं होता हमने पहले मैच में भी देखा लगभग हो रहा था उसी तरह का मतलब आखिरी ओवर में जाकर विकेट गिरे वो तो रिंकू सिंह का बला होब्ट का बला हो कि वो उन्होंने नो बॉल डाला और मैच जिता दिया भारत को पर <laughs> ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए मेरे हिसाब से गेंदबाजी भले ही बहुत अच्छी हुई है कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई के तरफ से पर दोनों एक साथ नहीं खेल सकते आइडियल सीनारियो में दोनों को एक साथ खेलना चाहिए फिर तो आप रन ही नहीं बनाएंगे उनके खिलाफ तो लेकिन ही, हाँ तो आप कुलचा के बदले आप कुलबिश की बात कर रहे हैं जो नहीं हो सकता हाँ कुल्फी की बात कर रहा हूँ कुल्फी <laughs> बिश्नोई <laughs> में से तो क्या क्या करवाते हैं आप चंद्रेश जी चलिए आखिर के जो हमने पावर प्ले की बात की मिडल ओवर्स की बात की अब आखिर के जो पांच ओवर है उनके बारे में भी बात करना जरूरी है इन आखिरी ओवर्स में किन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है इस पूरे साल में इस पेरिस पर नजर डालते हैं इसमें अर्शदीप नंबर वन यानी कि पावर प्ले में भी इनके टॉप फाइव में है और यहाँ पर तो टॉप में बेहतरीन और यहाँ पर देखा गया कि सारे तेज गेंदबाजों का नाम आएगा लेकिन देखिए अंतर कितना है परफॉर्मेंस अर्शदीप की और बाकी जो गेंदबाजी उनके बीच में देखिए ओडिया विश्व कप का साल था तो ज्यादा टीमें जो है ज्यादा ओडिया क्रिकेट खेल रहे थे जी जी जी, जी. और भारत जो है वेस्ट इंडीज में टी ट्वेंटी क्रिकेट खेला श्रीलंका उसके अलावा जो है एशियन गेम्स में टी ट्वेंटी क्रिकेट खेला आयरलैंड में टी ट्वेंटी क्रिकेट खेला तो उनके मैचेस ज्यादा है और भारत जनरली व्हाइट बॉल सीरीज ज्यादा खेलता है बाकी टीमों के मुकाबले और correct, इस फॉर्मेट में अब देखोगे कि आने वाले दिनों में जनवरी के बाद भारत का कोई श्रृंखला नहीं है uh, uh, की बात कर रहा बिल्कुल कोई श्रृंखला नहीं है जून तक ओ oh, हो oh, 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 एक ही जनवरी से जून तक लगभग पांच छह महीने बिना टी ट्वेंटी इंटरनेशनल खेले अपने को वर्ल्ड कप जाना पड़ेगा ऐसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ये एक बात है जो जिसके बारे में सोचना पड़ेगा जो टीम को तो जो है बस अभी यही एक पल है आपके पास क्या बात है चंद्रे जी किस तरीके से सारा हिसाब किताब रख पाते हैं कमाल है और बता दें आपको कि चंद्रे जी रोज सुबह उठकर पानी में भिगे हुए दो बादाम खाते हैं इसीलिए सारी डिटेल्स इतने अच्छे तरीके से हमको तो बता पा रहे हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जब बात करते हैं तो उनके स्क्वाड पर भी नजर डालनी पड़ेगी क्या हुआ है उनके स्क्वाड के साथ और ओहो और बात ऐसी है कि इस तीसरे ट्वेंटी के बाद से आने वाले टी ट्वेंटी के लिए इन्होंने एडिशनल री भी मंगाई है ये क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो उनको डर लग रहा है कि वो खिलाड़ियों को शायद डर लग रहा है कि हम चार महीने से इधर ही तीन महीने से इधर ही इंडिया में ही है हाँ, हम जाएंगे? है? नहीं जाएंगे। <laughs> तो। <laughs> लेकिन पिछले कुछ मैच में परफॉर्मेंस बराबर नहीं था मैक्सवेल साहब एक ही मैच खेला भाई कितना बच्चे की जान लोगों क्या नहीं मतलब उसमें भी मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ बाकी कुछ नहीं मतलब ठीक है मुझे अभी ये अब ये बात सामने नहीं आई कि इस जो

कहीं ना कहीं ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि शायद वो घर जाने की चाह आ रही है क्योंकि विश्व कप जीतने के बाद उनको उसका जश्न मनाने का भी मौका नहीं मिला देखो ना मुझे तो स्टीव स्मिथ और शॉन एवर्ट तो मुझे पक्का घर जाते हुए दिख रहे हैं और उनके बदले में देखिए तो बेन मैकडाम जॉर्ज फिलिप और क्रिस ग्रीन को लाया गया है वेरी इंटरेस्टिंग तो ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को लाया जाए ये भी एक पैतरा हो सकता है की बहुत सारे खिलाड़ियों को टी ट्वेंटी का एक अप्रोच दिखाए ताकि आने वाले वर्ल्ड कप में वो एक सही सही कॉम्बिनेशन निकाल सके बिल्कुल और उनके पास अभी घरेलू श्रृंखला जब शुरू होगी बिग बैच लीग शुरू होगा तो और विकल्प निकल कर आएंगे तो आ, और कि उनकी जो मुझे तो डर लग रहा था उनके बल्लेबाजी को देखते हो क्योंकि अगर आप उनके बल्लेबाजी की तरफ देखिए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी की तरफ ये देखिए आंकड़े देखिए मैंने कहा और मेरे दिल की बात सुन ली है और पर आंकड़े देखिए जबरदस्त आंकड़े है और इसमें से टीम डेविड ने तो पिछले मुकाबले में तो सबको डरा ही दिया था अपने बल्लेबाजी से बहुत जबरदस्त अंदाज में डरा दिया था और लेकिन जॉस इंग्लिश बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं टीम डेविड और मैथ्यू शॉर्ट भी अच्छे चल रहे हैं लेकिन क्या ट्रेविस हेड को खिलाया जाएगा इस तीसरे टी में ये बड़ा एक निर्णय होने वाला है क्या स्टीव स्मिथ के बदले ट्रेविस हेड आएंगे किसके बदले आएंगे ये भी देखना होगा लेकिन उनके पास भी बल्लेबाजे और दोनों ही विशाखापट्टनम हो या तिरुवनंतपुरम की बात हो दोनों टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने लगभग लगभग मुकाबला जीत ही दिया था बिल्कुल और पिछले मुकाबले में जो बल्लेबाजी कर रहे थे टीम डेविड और मार्कस मतलब मुझे लग रहा था कि मैदान कहीं छोटा पड़ रहा बिकॉज ऐसे घुमा रहे सीधे जा रहे हैं छक्के के लिए मिड विकेट के ऊपर और जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे और क्लीन हिटिंग था वो और बता रहा था कि मैदान छोटा पड़ रहा था उनके लिए ये तो बात है लेकिन जब हम इस श्रृंखला की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी थोड़ा सा मतलब अंडर पार रही है तो उनकी गेंदबाजी पर ध्यान देते हैं हैं कौन से विकेट हुए आपने शॉन की की बात की वो लगते इतने नहीं लेकिन विकेट निकाल कर जाते लेकिन नौ विकेट निकाले हैं दो में साथ ही में तनवीर सांगा ने भी थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए हैं बट पिक दिकेट स्टॉइनिस एलिस और तनवीर सांगा नेथन एलिस ये क्या दो नए उभरते हुए गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लग रहा है बिल्कुल है और नेतन मैंने देखा है तनवीर संगा दिल, दिल, बड़ा रखते हैं जिगरा बड़ा है उनका ओ, वो जानते हैं कि इस फॉर्मेट में पिटाई होगी तो वो पिटाई खाने के लिए तैयार है वहां पर लेकिन और... उसके बदले में उसके बदले में विकेट निकालने को भी तैयार है ऐसा ना क्या हाँ, हाँ। <laughs> पर नेतन एलिस बहुत जिगर वाले गेंदबाज है जी 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 मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के आप देखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इस आ, सीजन में तो आप देखोगे कि उनके विकल्प क्या है क्योंकि कप्तान तो उनके तय है मिचल मार्च बिल्कुल लेकिन आने वाले दिनों में क्या बदलाव होगा उससे पहले इस इन पांच जो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की श्रृंखला है उसके शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं पहला मुकाबला भारत ने दो विकेटों से जीता विशाखापट्टनम में दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में चवालीस रनों से जीता भारत ने अब तीसरा मुकाबला खेला जाने वाला है गुवाहाटी में और उसके बाद ये कारवा आगे बढ़ेगा रायपुर और बेंगलुरु में रायपुर तो काफी बड़ा मैदान है लेकिन बेंगलुरु फिर एक बार छोटा मैदान है तो इस पूरी श्रृंखला में रन ही रन है गेंदबाजों के लिए हमें बहुत सिंपत्ति है ये तो बात पक्की बिल्कुल बिल्कुल और देखे कि तीसरे मुकाबले में भी बहुत ज्यादा रन पड़ने वाले हैं चौथे मुकाबले में मैदान काफी बड़ा है जी। और फिर भी रन बनेंगे क्योंकि पिच बहुत अच्छा है हा, सही बाउंस उस पिच में पांचवे मुकाबले में फिर आपके जो मतलब मैदान इतना छोटा है वहां पर बेंगलुरु में फिर रन पड़ेंगे वहां पर तो ये और ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में इस, हाल ही में ओडिया विश्व कप में एक, एक दो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और बहुत गेंदबाजों की पिटाई की की थी तो पर रन जरूर बिल्कुल लेकिन चलिए गुवाहाटी बात करते हैं क्या क्या लगता है आपको तो की, की लीड के बाद गुवाहाटी में भारत सीरीज जीत लेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया की वापसी होगी मैं पहले मुकाबले से खेल रहा हूं कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर एक मुकाबला जीतेगा खुद के लिए नहीं तो मुझके लिए मुझे खुश करने के लिए आप एक मुकाबला जीत जाइए नहीं नहीं बिल्कुल लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ मेरी मैचिंग मैचिंग हो रही मेरे ख्याल भी आपके साथ मिल रहे हैं मुझे भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जीत हो सकती है गुवाहाटी में दोस्तों आपको क्या लगता है हम दोनों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कम कर सकता है आपको क्या लगता है आप जल्दी बताइएगा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अपने ख्याल हम तक पहुंचाइएगा साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और साथ ही में डिजिटल टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंद्रेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखेंगे हम दोनों का प्रोडिक्शन क्या रंग लाता है लेकिन दोस्तों इसी तरीके से आप बने रहिएगा ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स थैंक यू वेरी मच